हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप CMD की मदद से किसी भी वीडियो फाइल को दोस्तों MP3 में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी गूगल क्रोम ओपन करनी है और दोस्तों यहाँ पर सर्च करना है आपको FFmpeg। दोस्तों आपको फर्स्ट वाला लिंक पे क्लिक करना है। अब आप जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, लिनक्स या फिर विंडोज़ या फिर आपका एप्पल का होगा, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ है मेरा, तो विंडोज़ पे आप जैसे कर्सर ले जाएंगे आप देख सकते हैं नीचे आपका आ चुका है। आपको दोनों में से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ऊपर वाले पर क्लिक करूँगा यहाँ से। अब दोस्तों आपको इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ से आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। दोस्तों आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे आप किसी में से में भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों आपकी फ़ाइल देख सकते हैं डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको इसको ओपन करना है। दोस्तों इस जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। दोस्तों आपको इस फाइल को ओपन करना है, फिर आपको इस ओपन करना है और दोस्तों इन सारे को आप कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी ड्राइव सी ओपन करनी है और यहाँ पे दोस्तों एक नया फोल्डर बनाना है FFmpeg नाम से। दोस्तों आपका नाम यहाँ पे सेम होना चाहिए। उसके बाद जो आपने कॉपी किया था फाइल, उन सारे फाइल को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दोस्तों पेस्ट हो चुका है। अब आपको रन कमांड ओपन करना है और दोस्तों यहाँ पे टाइप करना है sysdm.cpl। दोस्तों यहाँ पे आपका सिस्टम प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पाथ पे सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद आपको एडिट पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद आपको अपनी जो फाइल थी, जो ड्राइव सी में आपने जो फोल्डर बनाया था FFmpeg को, उस फोल्डर को आपको ओपन करना है। फिर दोस्तों आपको बिन फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपकी देख सकते हैं दोस्तों डायरेक्टरी पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको इस लोकेशन को कॉपी कर लेना है। फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए और आपको उस लोकेशन को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ से भी आप ओके दबा दीजिए। उसका दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास एक वीडियोस फाइल है, मैं इसको MP3 में बदलूँगा दोस्तों, जो कि मेरा न्यू फोल्डर में है। तो आपको यहाँ पे CMD टाइप करना है दोस्तों, आपका इस फोल्डर का CMD ओपन हो जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है FFmpeg, फिर आपको स्पेस देना है। उस पर दोस्तों आपको अंडरस्कोर देना है, फिर आई देना है, इसके बाद स्पेस देना है दोस्तों। फिर आपको जो वीडियोस की फाइल थी उसको आपको डबल कोटेशन मार्क के अंदर इसकी नाम लिख देनी है दोस्तों, देख सकते हैं मर जाएंगे डॉट। दोस्तों इसके बाद आपको इसकी फॉर्मेट भी लिखना है .MP4। दोस्तों मैं यहाँ पे इसकी नाम को पेस्ट कर दूंगा .MP4। दोस्तों आप इसकी प्रॉपर्टी में जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सा फाइल है, MP4 है या फिर आपका AVI है। देख सकते हैं मेरा फॉर्मेट MP4 है।
तो मैं यहाँ से .mp4 लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको बाहर जाना है, यहाँ से स्पेस देना है, फिर आपको दोस्तों जो भी ऑडियो फाइल का आप नाम एंटर करना चाहते हैं आप उस नाम को यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मैं देता हूँ न्यू सॉन्ग, दोस्तों यहाँ पे .mp3 आपको टाइप करना है। अब आपको एंटर प्रेस करना है। देखो दोस्तों ये कन्वर्टिंग स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं दोस्तों बहुत जल्दी ये वीडियोस MP3 में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही आप किसी भी वीडियोस फाइल को MP3 में बदल सकते हैं। मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर कीजिएगा। थैंक यू।